नालों को ऊपर दुकान बना के देने का फैशन है इन लोग का, रस्तों पे बैनर लगा के ऑफिस बनाने का फैशन है इन लोग का। मेरे आगे अगर एक फुट जगह है ना, मैं वो कब्जा कर लूंगा। तो शहर में सबसे बड़ा बैनर लगाऊंगी रस्ते पे और रास्ता कब्जा करके बैठूंगी मैं। नाले पे कंटेनर रख के ऑफिस बनाया है और पानी का कनेक्शन यहाँ से जाना चाहिए। आधा कब्जा तो पार्किंग में जाता है। 3 किलोमीटर का शहर है लेकिन घंटों घंटों लगता है वहाँ से यहाँ आने के लिए। जनता का तो किसी को पड़ी ही नहीं है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के खड़ी मशीन रोड पर और आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग का यहाँ पर काम चालू था, लेकिन चालू है कई साल पहले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम इसको हुई, उसके बाद से इसको जो है प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। इसमें से कुछ टेनेंट थे उनको, वो लोग जो है यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं। आज से 2 दिन पहले ही यहाँ पर कार्रवाई करके ये तोड़ा गया था। क्या पूरा मामला था इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान मेमन है। अच्छा, ये क्या कार्रवाई हुई थी यहाँ पर, क्या वजह थी, क्या कार्रवाई था कि इधर पे 2-3 स्टॉल लगे हुए थे, तो इस स्टॉल को एकाएक सडनली तोड़ दिया गया। तो हम लोग तो उस टाइम पे थे नहीं, और लगाती भी वो भाजी वाली थी, और बेचारे गरीब लोग लगाते थे, हम लोग नहीं रहे लगाने दिए थे कि चलो भाई जब तक है सैफी वाले हैं लगा दो, परेशान है ना, भाड़ा मिलता है नहीं मिलता है, तो लगा दिया करो, चलो वांदा नहीं मसला नहीं। अब वो तोड़ दिया गया। अब सानू भाई को पूछा गया कि भाई क्यों तोड़ दिया आपने, तो बोले कि नहीं इससे हमको प्रॉब्लम है। सानू भाई से क्यों पूछे, क्या सानू भाई ने ही तोड़वाए थे वो? हाँ, सानू भाई ने खुद एक्सेप्ट किया कि भाई हमने ही तोड़वाए। सानू भाई बड़े नेता है, सानू भाई को समझना चाहिए कि ये एक चीज से प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको। प्रॉब्लम तो ये दुकान होटल बाहर निकाले गई, हम लोग बचपन से इधर रहते, आज तक ये होटल का जगह इतनी भाड़ नहीं थी कभी भी, कभी इतनी भाड़ नहीं थी, आज निकाले गई, ये चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। वो बाहर साल के 12 महीना लगेला रहता है, इसके पीछे आगे पीछे। क्या उन्होंने बताया, क्या तोड़वाने की वजह क्या बताया? बोलते कि नहीं, बोले ये बोले ना रात को बोले नशा होता है इधर बैठ के। कहाँ पे? ये इसके अंदर बोले लोग बैठ के बोले पीते पाते हैं, क्या पीते हैं क्या पाते। तो उस पर कानूनी कार्रवाई करवाना चाहिए ना कि स्ट्रक्चर तोड़ देंगे किसी का। क्या सवाल किया कि ठीक है, बोले मैंने जाते हुए बहुत बार देखा। ठीक है, आपने देखा है, ओके, अच्छी बात है। तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप इधर के नगर सेवक है, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि उसी टाइम पे पुलिस को बुलावे और अंदर करवा देवे, दरअसल ख़त्म हो जाता था। बट उसके लिए तो आपको तोड़वाने की, गरीब लोग की पेट के ऊपर, मतलब कल को किसी के घर पे देखेंगे कि कोई नशा कर रहा है तो घर ही तोड़वा देंगे, है ना? हाँ, घर तोड़वा देंगे, यही बात है। तो वही तोड़वाने की क्या ज़रूरत थी, तो नहीं समझ। अच्छा, उसका हल निकालना चाहिए, पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए, पुलिस आती देखती कौन बैठा है, क्यों नशा कर रहा है, क्या प्रशासन लेंगी ना, पुलिस आएंगी, पुलिस उसको जो है जो लेके जाना है जो करे। और रही बात नशा, तो ऐसा है ना सर जी कि पूरे मुमरा के अंदर हो रहा है, रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे नशा हो ही रहा है। रीदा मैडम, आप भी यहाँ पर आई हैं, इन्होंने बुलाया क्या आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरे को 2-3 दिन से भाई लोग का कॉल आ रहा है कि ज़रा आओ यहाँ पर देखो करके, लेकिन थोड़ा काम में रहने की वजह से आई नहीं। कल भी काफ़ी कॉल आया लेकिन मैं आज आई तो मैंने देखा कि वो जैसे उन्होंने कहा कि तोड़ा गया, और वो मेरे को तो लग रहा है, देखिए पाइप के उस तरफ है, पाइप है और पाइप के उस तरफ है, मतलब वहाँ पब्लिक भी चल नहीं रही है तो वो उस तरफ है। एक्चुअल देखा जाए तो जो भी तोड़वा रहा है उसको ये रास्ता भी बनाना चाहिए और पाइप को अंडर ज़मीन के अंदर करना चाहिए, क्योंकि रास्ता साफ़ हो जाएगा और आने जाने के लिए यहाँ पर बहुत पैक हो जाते हैं, एक गाड़ी आएगी दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। तो सालों से देख रहे, लेकिन आज तो मैं आगे खड़े रह के देख रही हूँ और मैंने यही देखा, ये जो पाइप यहाँ से ऊपर आया हुआ है लेकिन ये गटर है। अब मैं बताती हूँ किस तरीके से, अगर वो कब्जा वाला एक नगर सेवक साहब तोड़वा देते हैं, एक्स नगर सेवक तोड़वाते हैं, तो मुझे दिखता है कि ये थोड़ा हमको भी दिखाना, मेरा भी फर्ज बनता है, मैं ये भी दिखाऊँ। ये नाला कितना बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा दिख रहा है आपको, इसमें से पाइप देखिए, ये देखिए पाइप जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये किसको कौन दिखाएगा। मैंने सोचा, मैं तो आई थी इन लोग से देखने के लिए क्या हुआ है, क्या मसला है, लेकिन मैंने ये भी देखा। चलिए थोड़ा अभी क्या उन्होंने बताया, तोड़वा दिया गया था, अभी बनाए फिर उन्होंने, अभी मैंने वही उनसे सुना कि वो उनका झोपड़ा बना के किसी को दिया है उन्होंने चलाने के लिए, तो वो तोड़वा दिए थे, बोले वहाँ पर कुछ रात को नशा वगैरह होता है। चलो ठीक है, तोड़वा है ना तो ठीक है, लेकिन बाहर भी बहुत सारे नशा होता है। मैंने तो सुना है ये जो कंटेनर रखा है
इसमें नशा होता है। अच्छा ये आप गटर बता रहे नाला, हाँ। तो ये तो बिल्डिंग के सोसाइटी के सामने, जरा दिखाइए सोसाइटी है, यहाँ से कोई भी बच्चा आता है अगर गिरता है बारिश का पानी बहाव रहेगा तो ये कौन बताएगा उनको? जब वो यहाँ से जाते हैं, जब नशा करने वाले वो बाहर ओपन बैठे हो दिख गए, लेकिन ये सब नहीं दिख रहा है। और आगे देखिए ना, उन्हीं के एंट्री पे देखिए, आगे देखिए, आइए ना, कैसा कब्जा हुआ है, कैसा कब्जा किया गया है, नाले पे कंटेनर रख के ऑफिस बनाया है। और वो जो हम लोग देखते हो, मतलब एक एनजीओ के नाम पे दुकान चलता है, वो तो सालों साल से मैं वो दुकान देख रही हूँ, पूरा पूरा नाले पे है, नाला के ऊपर है। ना ही आके मैं तो टीएमसी वालों को रिक्वेस्ट करूँगी, यहाँ का एक भी गटर साफ नहीं है, सब गटर पैक है। आप वहाँ से देखिए, वो गटर झुक के भी देखिए, आप वहाँ आगे चलिए, वहाँ गटर देखिए, वहाँ का गटर इतना पैक है क्या मैं क्या। और ये भी गटर है, ये भी नाला है, ये सबसे बड़ा नाला जो कनेक्ट होता है, उसके ऊपर देखिए क्या है ना, हाँ ये भी दिखाइए, देखिए क्या है, किसके बैनर लगे हैं, कौन से गटर कब्जे हुआ है, ये देखिए। ये तो मैं आई थी यहाँ पर तो मैंने देखा, अरे बाबा, पानी का, पानी ऐसी चीज़ है जिसको हम साफ जगह रखते हैं, साफ जगह से नाले और पाइप आने चाहिए। ये देखिए कहाँ से आ रहा है, और ख़ास करके वो एल मार के वहाँ से ही लाइन लिया गया है, ये ऐसा नहीं है कि जगह नहीं थी लेकिन वहाँ से ही लिया है, वो प्लानिंग से लिया है। ये किसका है, ये किसके ऊपर रखा है, ये गटर पैक हो गया है, ये नहीं दिखता यहाँ के लोगों को, ये नहीं दिखता यहाँ के नेता को। आप ये कैंटीन बता रहे हैं, कैंटीन तो काफी दिनों से है, बहुत काफी दिनों सालों से है, ऑफिस बन गया है, रस्तों पे बैनर लगा के ऑफिस बनाने का फैशन है इन लोग का, नालों को ऊपर दुकान बना के देने का फैशन है इन लोग का, ये क्या है। ये तो मैं आई थी उनका मसला सुनने को, यहाँ के लोगों ने खड़े रह के ये भी मसला दिखाया कि मैडम जरा इस पे भी जरा आवाज़ देके जाइए, ये देखिए खाला बराबर बोल रही हूँ ना, देखो ये देखो, ये मच्छर नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा नाला है, ये बहुत बड़ा नाला है, लेकिन आपको दिख रहा है, एक फुट का भी नाला दिख रहा है आपको, और पानी का कनेक्शन यहाँ से जाना चाहिए। मैं तो टीएमसी वाले को बोलूँगी, जिसके भी लाइन गए, लीगल है क्या है पता नहीं, ये काटो और ये नाला साफ करो। मैं टीएमसी वालों को सच बोलती हूँ, और यहाँ के सोकल अभी तो ठीक है, सब एक्स बन गए हैं, तो अभी टीएमसी ही यहाँ की जवाबदारी है, तो मुझे लगता है ये सब साफ होना चाहिए। और मेरी बात भी हुई है, उन्होंने बोला 2-3 दिन में हमारी कार्रवाई का काम है, मैडम ये हम लोग करते हैं, और इस पर हमने 2 दिन पहले भी कार्रवाई की है, लेकिन बोलते ना कार्रवाई के बाद बैनर बड़ा लग जाता है, कार्रवाई के बाद बैनर बड़ा लगाते थे और वो दुकान और चलाने लग जाते, लेकिन क्या करेंगे। आज अगर रास्ते पे जाओ तो आधी तो ट्रैफिक से लोग परेशान है, क्योंकि आधा कब्जा तो पार्किंग में जाता है, आधा कब्जा चाहिए ऑकर्स लगा लेते हैं, तो पब्लिक चलेगी कहाँ से, घंटों घंटों लगता है, 3 किलोमीटर का शहर है लेकिन घंटों घंटों लगता है वहाँ से यहाँ आने के लिए, एक एम्बुलेंस नहीं पा सकती। देखिए ये भी एक इमरजेंसी रास्ता है, ऊपर से बाईपास पे से आप उतर के यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वो रास्ते की हालत देखिए, एक बस को पास होने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब ये सब है। तो मैं तो टीएमसी को बोलूँगी ये सब चीज़ें निकालिए, और ये रास्ते पे जितने भी जो छत बना बना के आगे आए ना उस पर भी करिए, वो देखिए वहाँ पर भी देखिए किस तरीके से सब लोगों ने छत बना बना के, मतलब ऐसा है जनता का तो किसी को लेना देना ही नहीं है, जनता का तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मेरे आगे अगर 1 फुट जगह है ना मैं वो कब्जा कर लूँगा, भले वो 4 बार तोड़ के जाएंगे मैं 4 बार कब्जा करूँगा और एक बैनर लगा दूंगा तो मेरा कब्जा हो गया। इस तरीके से चल रहा है, इसलिए मैं टीएमसी को बोल रही हूँ, टीएमसी की सभी अधिकारियों को बोल रही हूँ, आप यहाँ आके देखिए, ये गंदगी साफ करिए, और इस तरीके से जो लगे हैं बड़े बड़े, नहीं तो शहर में सबसे बड़ा बैनर लगाऊंगी रास्ते पे और रास्ता कब्जा करके बैठूंगी, मैं ट्रैफिक रोक दूंगी। अगर बैनर लगा के ही कब्जा चलता है तो सबसे बड़ा बैनर देखोगे आने वाले कल में, अगर ये सब साफ नहीं हुआ तो। तो आपने सुना कि रिदा रशीद थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो यहाँ पर एक सब्जी की छोटी सी दुकान लगाई गई थी उस पर कार्रवाई की गई थी, 2 से 3 दिन पहले तोड़ा गया था, जिसका दुकान था वो उन्होंने दोबारा बांधा, और रिदा मैडम को बुलाया था कि इस तरह की यहाँ पर जो है चीज़ें चल रही है। हालांकि गटर नाले जो है वो भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भरे हुए हैं, जिन्हें साफ तौर पर रिदा ने चेतावनी दी कि अगर मनपा कार्रवाई नहीं करती है तो वो खुद जो है मोर्चा संभालेगी।